हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की होने जा रही है। इस वीडियो में हम जो हमारा सी शार्प का कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम आज क्या करने जा रहे हैं, सर्च का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने जा रहे हैं और डाटा ग्रिड व्यू में उसका जो रिजल्ट होगा वो हम रिजल्ट रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में क्या करने का, आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो इस वीडियो का आपको फायदा क्या होगा, इस वीडियो में आप क्या कर सकेंगे, कोई आपको सी शार्प का प्रोजेक्ट है, जैसे हम कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, आपका कोई और प्रोजेक्ट है आप उसमें भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देना है, टेक्स्ट बॉक्स का रिजल्ट जो है ना जो सर्च करेंगे उसका रिजल्ट डाटा के रिव्यू में आएगा और आप जो सर्चिंग है ना वो प्रोडक्ट आईडी से भी कर सकेंगे, प्रोडक्ट बारकोड से भी, प्रोडक्ट नेम से भी। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकेंगे, सर्चिंग कर सकेंगे। ठीक है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स होगा, डिफरेंट नहीं लगाएंगे हम, एक ही टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप जो चीज़ मर्जी एंटर करें रिजल्ट आ जाएगा सिंपल। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं बारकोड एंटर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो बस प्रोडक्ट सेम ही आएगी, जो आप जिसकी वो आईडी होगी जिसका बारकोड होगा वही प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस वीडियो को बस आखिर तक चलना है और मैं आपको आखिर तक लेके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो फ्रेंड्स ये मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इधर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, सर्च मेडिसिन के नाम से मेरा फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, बस हमने क्या करना है, इतना सा बना देना है, एक फॉर्म लेना है, एक फॉर्म में आपने क्या चीज़ एंटर, एक ये लेबल लगा देना है सर्च का, उसके बाद टेक्स्ट सर्च दे देना और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम हमने रख देना है नेम, मैं आपको बता देता हूँ क्या रखना है, नेम इसका रख देना है txt सर्च, जैसे मैंने रखा हुआ है। अगर आप कोई और भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको फिर कोडिंग में जो हम पीछे कोडिंग करेंगे उसके अंदर फिर आपको txt सर्च चेंज करना है, सॉरी मैंने रखा हुआ है txt सर्च मेडिसिन। ठीक है, तो आपने भी आगे जाके सर्च मेडिसिन ही रखे या अपना कोई आप रख सकते हैं तो वो रख ले। और ये इसका डाटा ग्रिड व्यू का जो नाम है वो मैंने रखा हुआ है DGV सर्च मेडिसिन। ठीक है, ये दोनों नाम मैंने आपको बता दिया, आप अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम रख लें, नहीं तो आपने डिफरेंट रखना है तो फिर आपको कोडिंग में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। हमने क्या करना है, सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक रहने देना है और इसके ये यहाँ पर आ जाना है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर नीचे ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं, इसलिए फ्लैश अगर बना हुआ है बिजली का साइन है, इसके ऊपर आपने आ जाना है, यहाँ से आपने टेक्स्ट इवेंट, इवेंट्स वाला है ना, ठीक है, ये इवेंट्स में आपने चले जाना है और इवेंट्स में टेक्स्ट चेंज इवेंट बना देना है, इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक रहने देना है और टेक्स्ट चेंज का इवेंट इसका क्रिएट करना है, कैसे, इधर आके डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो है इवेंट क्रिएट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बस इवेंट आपके पास जो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास इवेंट आपके पास तो खाली लिखा हुआ है, मैंने जो है पहले से मेरे पास बना हुआ है, ये देखें आपके पास जो है ना फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह का इवेंट जो है ना बना हुआ आएगा, एम्प्टी होगा, txt सर्च नेम मेडिसिन अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो सारी कोडिंग है ना ये आपने लिख देनी है। और आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपने क्या करना है, ये सारी थोड़ी सी लिखी हुई, ज़्यादा नहीं है, बहरहाल काम बड़ा, काम बहुत बड़ा है लेकिन उस हिसाब से कोडिंग जो है ये कम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करते रहना है और साथ साथ टाइप करते रहना है, या फिर पहले एक दफ़ा आप समझ लें फिर आप क्या कर लें, बाद में एक दफ़ा दोबारा वीडियो में पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ, ठीक है, इफ़ txt सर्च मेडिसिन डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, मैसेज बॉक्स डॉट शो एंटर सम टेक्स्ट, अगर मेडिसिन वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी लेंथ जीरो है तो वो क्या कहेगा, एंटर सम टेक्स्ट, नहीं तो और रिटर्न कर देगा, मतलब ये कोडिंग से बाहर आ जाएगा बस। ठीक है, फिर अगर एंटर हो गया तो इनपुट का हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग txt सर्च मेडिसिन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, txt टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी है वो किसको मिल गया, इनपुट को, फिर हमने कनेक्शन बनाया वही जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर DB पाथ वगैरह, ये आप इधर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डेटाबेस का जो पाथ है ना, जो नाम आपने रखा था, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में वही आपने लिखना है, ये DB पाथ तो मेरा लिखा हुआ है, जो आपके सिस्टम में आपने पहले लिखा हुआ था वही आपने करना है। अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का नहीं पता तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कैसे यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो कोन डॉट ओपन, ठीक हो गया, ओपन कर दिया कनेक्शन, फिर हमने SQL कमांड का एक वेरिएबल बनाया CMD, फिर हमने कंडीशन लगा दी रेजेक्स, अगर तो जो हमने एंटर किया इनपुट वो नंबर में है 0 to 9 में से है तो क्या होगा, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे एक एल्स लगा हुआ होगा वहाँ पे आ जाएगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अंदर आ जाएगा, फिर ये हमने बूल रिजल्ट किया, ये हमने क्या किया, ट्राई पार्स। ठीक है, अब बूल रिजल्ट मतलब इंट डॉट ट्राई पार्स, इनपुट के वेरिएबल में जो कुछ भी है ना वो हमने किसको दे देना है, जो हमने ये वेरिएबल एक डिक्लेयर करवाया है, एन इनपुट मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में जो कुछ भी है वो किसको मिल जाएगा, एन इनपुट को, और अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट करके, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करके ट्राई पार्स, मतलब अगर ट्राई करना है, अगर हो जाता है
कन्वर्ट इंट में कन्वर्ट हो गए, इसको मिल जाता है एन इनपुट में, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, मतलब वन आ जाएगी। अगर नहीं होगा तो रिजल्ट की वैल्यू जीरो आएगी। फिर हमने लगा दिया इफ़ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट ट्रू है, ट्रू होगा तो वो अंदर आ जाएगा। फिर हमने ये स्ट्रिंग क्यूरी क्यूरी लगा देंगे और ये सारा कनेक्शन वगैरह, क्यूरी मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। क्यूरी आपने चेक कर लेनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, जो टेबल का नाम है आपके, जो टेबल का नाम है वो आपने लिख देना है, वेयर पी आई डी इज इक्वल टू पी आई डी, ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट आई डी है जो कुछ भी है, और बार कोड इज इक्वल टू बार। फिर हमने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, ये पी आई डी, ये सिंपल से, ठीक है। फिर हम नीचे अगर ये जो है रिजल्ट फॉल्स आता है, एल्स आएगा, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग क्यूरी है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो क्या होता है इंटीजर में, इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब बार कोड है, इंटीजर की रेंज से बाहर है, वो नंबर काफ़ी बड़ा है तो मतलब बार कोड है, तो सिंपल एल्स में हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर बी बार कोड इज इक्वल टू बार कोड, बार कोड से मैच कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो था ना इफ रेजेक्स वाला, अगर ये मैच हो गया था तो यहाँ पे हम अंदर आ गए थे इधर, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमने यहाँ पर नीचे आ जाना था एल्स पर, ठीक है, ये वाले एल्स पर आएगा। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग आपने बस देख लेनी है, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो इनपुट इज़ अ अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्यूरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इज इक्वल टू पी नेम लाइक पी नेम, अगर वो नंबर नहीं है फिर तो नाम ही होगा ना, तो नाम से हमने उसे मैच कर देना है, और ये क्यूरी आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम लाइक पी नेम और पी बार कोड इज इक्वल टू बार कोड, ठीक है। ये हमने फिर नीचे पैरामीटर्स भी दे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बस वही क्यूरीज लगा दी हैं, बस कंडीशन लगा के, जब अगर वो नंबर है तो वो प्रोडक्ट और बाई पी आई डी से सर्च करेगा, नहीं तो फिर वो नेम ही होगा। इसके अडाप्टर हमने लिया डी ए, फिर डेटा टेबल में जो कुछ भी आया था सी एम एसक्यूएल डेटा अडाप्टर सी एम डी हमने उसे दे दिया था ना कमांड, ठीक है, तो डेटा टेबल में जाके सेव करा देगा। फिर हमने कनेक्शन जो है वो फ्रेंड्स क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू था ना उसमें फॉर्म में, उसको डी जी वी सर्च मेडिसन डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू डी टी, जो डेटा ग्रिड व्यू था उसको हमने डाटा सोर्स क्या दे दिया डी टी। अब डी टी में वही कुछ है जो ये क्यूरी की मदद से आया है या वो जो भी कंडीशन लगी है वहाँ पे, ठीक है। फिर डी जी वी सर्च मेडिसन को हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो है इस वीडियो में जो है इतना ही है, बस ये नीचे जो है प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ये जो है फ्रेंड्स सर्च मेडिसन का हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, रन कैसे करना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये मैं अब आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये जो हमने सारी कोडिंग की है ना, ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, आप हर चीज़ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आ जाना है सर्च मेडिसन ये वाला, अब देखिए मैं वन एंटर करता हूँ, ठीक है, वन वाला आ गया, पी आई डी में वन, ये वो सारा कुछ, आप बार कोड से भी सर्च कर सकते हैं, थ्री में लिखता हूँ अगर, ये थ्री बार कोड पी बार कोड थ्री, ये आप देख सकते हैं ये थ्री वाला भी आ गया, ठीक है। अगर मैं नाम लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया है नाम, नाम अब प्रोडक्ट तो तीनों में आ रहा है, अगर मैं प्रोडक्ट वन लिखता हूँ तो वन वाली आ जाएगी, ये टू लिखा तो टू वाली, थ्री लिखा तो थ्री वाली। तो फ्रेंड्स एक ही टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या किया कि हर चीज़ उसी से सर्च कर ली, ये जो है ना यूज़र फ्रेंडली हमने सिस्टम बना दिया अपना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी क्या करें, अपने सिस्टम जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप इस तरह सर्च बॉक्स लगाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव फन विद इट।